नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम वार्ड का दंगल में आपका स्वागत है। आप सब अवगत हो चुके हैं कि जो चुनाव हैं वो नज़दीकी आ चुके हैं और चुनावों का दंगल शुरू हो चुका है। आज हम पहुंचे हैं होडल नगर परिषद में और यहाँ की जनता का रुझान हम देखते हैं किस तरफ है। यहाँ की जनता से हम बात करते हैं, सवालों को उठाते हैं और समस्याओं को जानते हैं किस तरीके की समस्याएं हैं यहाँ पर। सर नमस्कार। सर बताएंगे कि यहाँ किस तरह की जो है वो समस्याएं हैं और किस तरह जो पब्लिक का रुझान है किस तरफ है। मैडम जी, हमारे यहाँ काफ़ी समस्याएं, नगर परिषद के कई बार चुनाव हो चुके हैं, अभी तक ऐसा कोई खास विकास नहीं हो पाया है। अब हमारी जो उम्मीद है नगर परिषद पार्षद और नगर परिषद चेयरमैन से, यही उम्मीद करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड में एक नया चेहरा युवा के रूप में आए जो कुछ काम करके दिखाए और शहर के अंदर विकास करे। होडल शहर काफ़ी दिनों से ऊपर आ रहा है, काफ़ी तीन तीन विधायक हैं, मंत्रियां हैं, कोई खास इसमें प्रभाव नहीं पड़ा है। अब हम नई युवा युवती से यही चाहते हैं कि होडल का विकास हो नगर परिषद का, क्योंकि होडल में वार्ड नंबर 15 से हैं। नाम धर्मेंद्र है मेरा, वाल्मीकि समाज से हूँ। हमारे वार्ड नंबर 15 में ना तो कोई पानी की सुविधा है, वाटर सप्लाई का 22 साल हो गया, कोई पानी की किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है, ना ही कोई गली गलियारों की कोई सुनवाई हुई है हमारे अभी तक यहाँ पर जी। हम आने वाले पार्षद से, दीपक से युवा पार्षद हैं, इनसे यही उम्मीद करते हैं इस बार नगर पालिका में पार्षद बन के आए और हमारे यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि सड़कें हैं, सड़कों में दिक्कत होती है, जब बारिश हो जाती है तो हमें पानी की दिक्कत होती है, सीवर नहीं है यहाँ पर, छोटी छोटी गलियां हैं, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और हमारी जो रोडें हैं ये टूटी हुई हैं। पिछले वाले पार्षद ने कोई खास काम नहीं किया, इस पार्षद से हम यही उम्मीद करेंगे अगर ये बन के आते हैं तो हमारे यहाँ वार्ड नंबर 15 की सारी सड़कें बनाई जाएँ, सबर शिवर डलवाई जाए और वाटर सप्लाई का पानी लिया जाए। सर मैं अगर बात करूँ यहाँ की पानी की निकासी की और साफ सफाई की, तो किस तरह का यहाँ माहौल है? यहाँ माहौल बहुत ख़राब है, यहाँ पीछे आप देख रहे हैं आप गड्ढा है, कितना भरा भरा है, इतनी बीमारी पैदा होती है। विधायक साहब जो अपना नोटिस दे रखा है, यहाँ बिजली की समस्या है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, पानी में कीड़े आते हैं, गंदा पानी है, मगर कोई वो नहीं है। हम चाहते हैं अगर पार्षद बनते हैं भाई और कोई विकास करना चाहे करे, ये हमने साथ है, कोशिश करेंगे हम कि भाई आप ऊपर से बजट लावें और इस समस्या को, मार्गी को हल करें। तो आपका वोट किसकी तरफ है? फिलहाल तो हम दीपक भाई के हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार। किस जी? मेरा नाम मनीष कुमार, वार्ड नंबर 15 से स्थानीय निवासी हूँ जी। हमारे वार्ड के अंदर सीवरेज की और सड़क की और स्ट्रीट लाइट की बहुत ज़्यादा परेशानी है, जो कि हमारे वार्ड नंबर 15 से हमारी समाज से 5 बार पार्षद रहे हैं। उनसे उम्मीद थी पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया और आया हम दीपक से बिंदु कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं भाई से आगे हमारे लिए काम करेंगे। जैसा कि यहाँ पब्लिक का रुझान आ रहा है, मेरे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 15 से भाई दीपक कुमार भी। आइए इनसे जानते हैं क्या इनकी स्ट्रेटजी है और क्या इनके मुद्दे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वार्ड का दंगल में। सर आप वार्ड नंबर 15 से जो है पार्षदी के लिए जो है आप खड़े हुए हैं, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे? मेरा मैडम सबसे पहला मुद्दा यह है, सड़क की प्रॉब्लम है जी वार्ड में, सबसे पहले मुझे सड़क बनवानी है। पानी की प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई का पानी नहीं आता है जी। वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जी। तीसरा मुद्दा लाइट की जी, गली में लाइट नहीं है। चौथा मुद्दा अभी भाई ने बताया है कि जैसे कि यहाँ हमारे पीछे जो जोड़ है उसकी काफ़ी कंप्लेंट हो चुकी है, काफ़ी क्या नाम है, मच्छर मक्खियाँ होती हैं जिससे बीमारी फैलती है, इसकी समस्या का समाधान करना है जी। तीसरा नंबर मैडम, जैसे बड़े बूढ़े हैं जो बेचारे पेंशन के लिए परेशान रहते हैं जी, वो समस्या सुलझानी जी। तो पिछले अगर 5 साल की मैं बात करूं तो कितना विकास आपके मुताबिक हो चुका है? मैडम कोई विकास नहीं हुआ है जी अभी तक, क्या नाम है, आप देख तो रहे हो गली नहीं बनी है, सड़कें नहीं बनी है, नाली में पानी भरा हुआ है जी। क्या नाम है, समरसीवल एक भी नहीं है गली के अंदर। तो आप जो है वार्ड की जनता के विश्वास पर किस तरह खरा उतरेंगे? है समस्या, सभी वार्ड वासियों की सारी समस्या सुलझाऊंगा जी, इनको साथ लेके चलूंगा, इनकी समस्याओं को हल करूंगा जी। तो जो युवा हैं, युवाओं से, वार्ड की जनता से और तमाम सर्वोदय टीवी के दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहता हूं अपने क्या नाम वार्ड वासियों से, भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के सफल बनाएं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। थे मेरे साथ वार्ड नंबर 15 से भाई दीपक कुमार। समस्या तो मेरी ये है कि जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं
वो पेंशन आदि हैं उनकी पेंशन नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि जो पेंशन अधिकारी हैं वो 5 से 10 हज़ार या 20 हज़ार रुपये लेते जब वो पेंशन बांधते हैं। वो कमी है कि जो हमारे यहाँ के नगर निगम के पार्षद हैं वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं नहीं, उनको नॉलेज आता है, ये नहीं पता कहाँ पर ये पेंशन बनती है। सिर्फ आश्वासन देते हैं वोट लेने के लिए और वो वोट लेकर भूल जाते हैं जी। मेरा पहला काम है उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं और मैं उनके डॉक्यूमेंट लेकर ऑफिस जाऊँगा, उनके सबमिट कराऊँगा और उनकी पेंशन बना के उनको संतुष्ट करूँगा पहले बड़े बुजुर्गों को जी। दूसरा मुद्दा मेरा ये है, इस हमारे होडल शहर में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। जो गंदा पानी बरसात आ जाती है तो घरों में पानी भर जाता, वो मैं सीवर लाइन डलवाऊँगा। मैडम जी, मैं पार्षद दीपक का बड़ा भाई प्रधान बाल्मीक समाज से हूँ, धर्मेंद्र प्रधान नाम मेरा। मैं इन मुद्दों पर बात कर रखे, हमने यही सोचा हम इस बार जब हम पार्षद बनेंगे तो हमें किसी से कोई मतलब, हम सिर्फ वार्ड नंबर 15 में विकास और विकास ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए तो कितना जो है वार्ड का विकास आपकी नज़रों में हुआ है? मैडम जी, बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। विकास इस कारण नहीं हुआ कि पिछले जो पार्षद थे सभी पार्षदों को चेयरमैन ने खरीद लिया था। मैं चेयरमैन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बिक गए थे तो उस कारण जो भी कोटा आया था नगर निगम का वो वहीं पर खारिज कर दिया गया था। किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ चेयरमैन पार्षदों ने अपने अपनी जेबें भरी और अपने घर बनाए और कुछ नहीं। उन्होंने बाढ़ से कोई मतलब नहीं है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, पानी की बड़ी समस्या है, लाइट की दिक्कत है, रात बिरात में बहन बेटियाँ लिख सुरक्षित नहीं, हमारे अच्छे ढंग से नहीं लिख सकती जी। हम यही चाहेंगे नए पार्षद से, दीपक से, भाई हमारी सड़कें बनाई जाए, हर गली कोने पर लाइट की सुविधा दी जाए, क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ लिख ली जाएँ, अच्छे से निकल जाए, कोई गुंडा उंडा रात में निकले तो हमें निगाह पड़ जाए यहाँ कोई यहाँ से निकल के गया। तो सर, युवाओं की शिक्षा के लिए विशेषकर आप क्या नया लेकर आएंगे? युवाओं की शिक्षा के लिए पहले तो हमारे एक बाल्मीक समाज में एक स्कूल है, वो 5वीं तक कर रखा है। हम यही चाहते हैं क्योंकि हमारे SC कोटा में इतनी नौकरियां तो है नहीं जो हम अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी स्कूल में पढ़ाए जाएं। हम अपनी सरकार से यही मुद्दा उठाएंगे, पहले जो हमारे 5वीं तक स्कूल है इसको +2 तक किया जाए, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। दूसरा मुद्दा हमारे ये रहेगा, जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हम अपने बच्चे के लिए यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट खुलवाएंगे, क्योंकि आजकल जॉब लगती है वो कंप्यूटर कोर्स के दौरान ही लगती है, क्योंकि जो भी काम होता है कंप्यूटर पर होता है। अभी तक हमारे जो बाल्मीक समाज थे वो जागरूक नहीं था, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, अब हमने पढ़ाई की शिक्षा आगे बढ़ा दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, तो हम यही चाहते हैं थोड़े पैसे की उससे दिक्कत थी, ठीक है अब हम बनेंगे तो हम इस समस्या को ख़त्म कर देंगे, अपने बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट करेंगे पूरे बाल्मीक समाज के लिए, वार्ड नंबर 15 के लिए अपनी तरफ से एक इंस्टीट्यूट करवाएंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे जिससे हमारे बच्चों को नॉलेज हो, कहीं वैकेंसियाँ लिख रही हैं क्योंकि ऑनलाइन नहीं देख पाते हैं, हमारे बच्चे 5वीं 6वीं तक पढ़ के रह जाते हैं तो उनको कुछ नॉलेज नहीं हो पाती है और हमारे बच्चे यहीं रह जाते हैं फोर्स किरार के चक्कर में रह जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और उनके लिए स्कूल की भी सुविधा करेंगे और इंस्टीट्यूट की भी सुविधा करेंगे। इस समय वार्ड की जनता और सर्वोदय TV के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इनसे? मैं सभी से अपने चैनल वासियों से भाइयों से यही कहूँगा कि जितने भी हो सका हमारी ये जो खबर है वार्ड नंबर 15 दीपक भाई पार्षद की फैलाई जा, सभी नौजवान साथियों से अपने इनसे यही चाहूँगा भाई अच्छे से वोटिंग करें, टाइम से वोटिंग करें, ऐसे पार्षद को चुना जाए जो होडल शहर का विकास कर सके, ऐसे चेयरमैन को चुना जाए जो होडल शहर को चमन कर सके। अब हमें यही उम्मीद है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पीछे एक जोर है, काफ़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ जो BJP के MLA जगदीश नायर है बाल्मीक समाज से ही हैं, वो उनको कई बार आवाज़ें उठाई हैं, हमारे नौजवान साथियों ने एप्लीकेशन दी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी समस्या ये है हमारे जो नौजवान साथी वर्कर्स उसमें लगे हुए हैं नगर निगम में, उन्हें 7-7, 8-8 महीने उनको वेतन नहीं मिल रहा, हमें इस चीज़ का बड़ी दुख हो रही है। हमारे जो नौजवान साथी हैं 8-8, 9-9 महीने से उधार दुकान से सामान ले रहे, वो दुकान से सामान मिलना भी बंद हो गया है। उनसे गुजारिश हम ही लोग कर रहे हैं भाई इनको सामान दिया जाए, आगे इनकी सैलरी है जो हम दबाएंगे, अगर हम जीत जाते हैं हम ऊपर सरकार से गुजारिश करेंगे, चेयरमैन से गुजारिश करेंगे, इनकी जो पेमेंट है वो की जाए जहाँ से इनका घर का गुजारा हो जाए। तो ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 15 से भाई दीपक कुमार, वार्ड भावी उम्मीदवार जी के बड़े भाई, और इन्होंने काफ़ी समस्याएं भी जो है वार्ड के अंदर बताई, और यदि इन्हें मौका मिलता है विजयी अगर ये प्राप्त करते हैं तो वार्ड के अंदर ये काफ़ी समस्याएं हैं जिन्हें ये निपटाना चाहते हैं और जिनका निवारण ये करेंगे। ऐसे ही लगातार खबरों के लिए आप बने रहें सर्वोदय के साथ।